हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में भाजपा जजपा का गठबंधन मजबूत है। लोग पिछले 3.5 साल से इस गठबंधन को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज फतेहाबाद में कई जगहों पर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम निर्धारित होने पर इसे जजपा के चुनावी मोड में आने के सवाल पर कहा, हाँ इसे ऐसा मान सकते हैं क्योंकि आने वाला वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है, जिसमें राजस्थान में चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं। राजस्थान में 28 से 30 सीटों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। हरियाणा में भी भाजपा और जजपा का गठबंधन मजबूती के साथ सरकार चला रहा है और हमें उम्मीद है कि गठबंधन में ही हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टी के अध्यक्षों के बीच इस विषय में चर्चा होनी है और आने वाले दिनों में चुनाव आने तक इस पर सकारात्मक चर्चा होती रहेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में एक साथ हो विधानसभा और लोकसभा चुनाव। इनेलो का कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं तो केवल गठबंधन की चर्चा सुन रहा हूं। आप लोग गठबंधन करवा दो। इनेलो की पदयात्रा पर चुटकी लेते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, मीडिया में 11,000 किलोमीटर पैदल चलने की बात है, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया है। आज 7 करोड़ डिस्क्रिशन में हमारे पास आते हैं, हम तो 1 रुपया भी अपने हाथ से नहीं देते। ये तो अच्छा तरीका है कि जिम्मेवारी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की है जो प्रोसेस करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो जो ठेकेदार है उसके ऊपर एक्शन होता है। पंचायतों के अंदर ऐसा भी सामने आया था जहाँ पर जो ठेकेदार है वो काम करके भाग गया, पेमेंट लेके चला गया, काम रुक गया और उसके बाद इंक्वायरी हुई तो सजा सरपंच को मिली क्योंकि अथॉरिटी वो थी, असलियत में तो अथॉरिटी ग्राम सचिव है। गड़बड़ी अधिकारी करे और उसके जाना सरपंचों को सहना पड़े वो भी जायज नहीं है, मगर हाँ जो पेस ऑफ डेवलपमेंट होनी चाहिए गांव के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, स्पीडी काम होते हैं, उसकी मांग सुनते हुए सरकार ने 2 लाख से 5 लाख रुपए उनको पावर दी है कि जल्दी छोटे उचंती काम कराए जाए। अगर 2 से 4 महीने में, इसमें दिक्कत आती है कि अधिकतम काम लैप्स हो रहे हैं, फंड लैप्स हो रहे हैं, तो इस अमाउंट को बढ़ाने का भी विचार किया जा सकता है। पर मुझे लगता है आज अधिकतम सरपंचों ने तमाम जिला परिषद और ब्लॉक समिति इस प्रणाली को बनाया। जैसे अभी आपने कहा कि चुनाव प्रचार की शुरुआत मान लीजिए, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है? सर शुरुआत चाहे तो चलती रहेगी, तो जिस दिन आपका चुनाव डिक्लेयर हो के नॉमिनेशन की डेट्स नहीं आई, ये सिलसिला तो जब तक जारी रहता है। और ये मेरे लेवल पर नहीं, ये निशांत सिंह जी के और बीजेपी अध्यक्ष के लेवल पर चर्चा होनी है। INLD भी अलायंस की बात कर रही है कांग्रेस के साथ, करवा दो ना। मैं तो सुन ही रहा हूँ। हम भी सुन रहे हैं। और तो यात्राओं को किस नजर से देखते हैं INLD? भी मेरे को निशांत सिंह जी कल बता रहे थे कि पैदल तो कोई चल ही नहीं रहा। एक बार मैं तो चाहूंगा आप लोग भी कैमरा घुमा के आओ, अगर पद यात्रा है और वो गाड़ियों पे करी जा रही है तो फिर उस यात्रा का औचित्य खत्म हो। एक मीडिया में बयान था कि 11,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। 11,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया। हरियाणा के किलोमीटर जो है ना सारी 500 महकमों की सड़कों है कि गंभीरता के साथ इस पे कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई। एक ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग है, जो फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, वो फैक्ट नहीं बता रहे हैं, इस वजह से जो है ये अपनी वही आपको बोल रहा हूँ। इंक्वायरी अभी अंडरगोइंग और उस ऑनगोइंग प्रोसेस को स्टेट लेवल से हमें कहना मुझे लगता है उचित नहीं। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको इंक्वायर कर रही है। मुझे विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ देख रहे हैं, मुझे तो और बेहतर। कैसे? मैं तो इस पक्ष का हूँ कि सारे देश में एक टाइम पे ही सारी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने चाहिए, जिससे रिसोर्सेज भी बचेंगे और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें भी फिर 5 साल में जो अलग 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 प्रदेशों के चुनाव अलग अलग समय में देखने पड़ते हैं, हमारे ऑफिसर्स डिप्लॉय होते हैं, वो समस्या भी कम हो जाएगी, समय की बड़ी बचत हो जाएगी। एक अभी थोड़ी देर पहले एक जब आप आ रहे थे तो एक्सीडेंट बताया आपने उनको, कोई व्यक्ति था वो ऑटो के साथ, उसका बाइक का एक्सीडेंट हुआ, उसको इमिडिएटली
पुलिस के स्कॉट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाते समय लगता है, हमने हॉस्पिटल पहुँचाया है, सुरक्षित है, डेंजर से बाहर है, नी उसका टूट गया था, वो तो जो प्रोसेस डॉक्टर्स ने करना है उसके बाद ही उसको। चीन का एक परिवार है जो सूडान में, मेरी कल भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात, एक नहीं है अनेक परिवार है जो सूडान में आज फंसे हुए। हमारे मिडिल ईस्ट से 3 बार कोशिश हो चुकी है, जो एयरफोर्स के विमान सूडान में लैंड होने का प्रयास कर चुके हैं, मगर लैंड नहीं हो पाए क्योंकि रेगुलर बॉम्बार्डिंग चल रही है। अब एक नया प्रयास किया गया है, जो पोर्ट ऑफ सूडान है वहाँ पर इंडियन नेवी का शिप भेजा गया है, और बाय बसेस हम इवैक्यूएशन प्रोसेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राइव करेंगे। मुझे लगता है जैसे और देशों में, अफगानिस्तान में औरों में पीछे जो घटनाएं हुई थी, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और आर्म फोर्सेस केपेबल है एक एक नागरिक को सुरक्षित कर पाए। तो जून में है, मई भी शुरू नहीं हुई। सतपाल मलिक जी ने जो पुलवामा में जान दिया उसको आप कैसे देखते हैं? सतपाल मलिक जी ने जो पुलवामा, देखिए ना तो वो हरियाणा प्रदेश से संबंधित है, मगर जो कोई ऐसी बात है जरूर केंद्र उसका संज्ञान ले भी रही है और लेना। V20 को लेकर के क्या विवाद खत्म हो चुका है? आज के दिन तो मेरे ख्याल से प्रत्येक पंचायत ने भी, प्रत्येक ब्लॉक समिति ने भी और प्रत्येक जिला परिषद ने ई टेंडरिंग प्रणाली को अपनाया है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, जब मैं MP था 5 करोड़ रुपए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लैंड लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड